Welcome everyone, I am Isahan Jidun. Welcome back to another fresh episode of Isahan Design and Drawing Center. I hope you all are doing very well. Viewers, as you know very well, yesterday I have briefly discussed about the highway engineering, its definition, importance, characteristics and classification of highways. But today we'll discuss about the remaining part of highways and we'll see how the highways are designed. What is meant by geometric design of highways and what are the factors which affect the geometric design of highways? So viewers, without wasting any time, let's get right on the video. Thank you so much. I hope कि कल का लेक्चर आपने डिटेल से देखा होगा. हाईवे इंजीनियरिंग को उसकी डेफिनेशन को आपने समझा होगा, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी करेक्टरिस्टिक को और उसकी क्लासिफिकेशन को आपने अच्छी तरह से समझा होगा. लेकिन कल के ही लेक्चर मैंने एक जगह आपको अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम देखेंगे हमारे हाईवे डिजाइन कैसे होते हैं, एक टर्म यूज की जाती है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, वो उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, कौन कौन से हमारे पास फीचर्स ऐसे हैं जिन पर हमारी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डिपेंड करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे. सो वी मैं रीड आउट कर लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी वीडियो के साथ रहने. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्हाट एक्चुअली इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे. ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लेआउट एंड फीचर्स विजिबल ऑन द हाईवे. वीर इस बात को समझिएगा. ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ लेआउट एंड फीचर्स विच इज विजिबल ऑन द हाईवे. अब हाईवे एक हमारे सामने रेडीमेड है, हमारे सामने एक हाईवे बना हुआ है. अब मुझे उस हाईवे पर कौन कौन से फीचर नजर आ रहे हैं, मैंने ये देखना है कि इसकी एक एक लेन की विड्थ कितनी है, कितने लेन की ये हाईवे है, स्ट्रीट लाइट्स को मैंने देखना है, कितने इसमें मोड़ आ रहे हैं, कितनी ये स्ट्रेट है, कितने इसमें ग्रेडियंट है, स्लोप है, कितना इसका साइड डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये जो चीजें ऊपर हमें जो फिजिकल नजर आ रही होती हैं वो ही एक्चुअली जो होती हैं फीचर्स विजिबल ऑन हाईवे, जो हमें डायरेक्टली विजिबल होते हैं मुझे और ड्राइवर को. मोस्ट स्पेशली जो ड्राइवर को विजिबल हो रहे होते हैं हाईवे पर फीचर्स या लेआउट उस हाईवे का, वही होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे. डिजाइन करते वक्त हम यही तो अब सपोज हम एक घर डिजाइन कर रहा हूं, जब उसका मैं 3D बनाता हूं, 3D जब मैं क्लाइंट को पेश करता हूं तो मेरा मतलब यही होता है कि आपका घर रेडी होने के बाद ऐसा होगा. सपोज वो उस घर का ज्योमेट्रिक डिजाइन है. अब सेम इज द केस इन हाईवे इंजीनियरिंग. डिजाइन करने के बाद हम डिजाइनिंग के दौरान आप क्लाइंट को बताते हैं कि हाईवे आपकी डिजाइन होके ऐसी होगी, ये फीचर इसके विजिबल होंगे, फिजिकल होंगे. नेक्स्ट इज द एम्फेसिस इज मोर ऑन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ ड्राइवर एज वेल एज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स. अब वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में इन चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि सेफ्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल रखा जाता है. डिजाइन चले इतना मॉडर्न ना भी हुआ तो भी इट्स ओके, बट सेफ्टी जो हमारी होगी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ऑन द टॉप होगी. सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. एक सिविल इंजीनियर होने के नाते एक सिविल इंजीनियर का पहला फर्ज ही यही होता है. सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में मेन डिफरेंस यही होते हैं. आर्किटेक्ट का जो मेन एम्फेसिस होता है, जो उसका मेन गोल होता है, उसने डिजाइन को अचीव करना होता है, उसने डिजाइन को बेटर से बेटर और जिसे हम कहते हैं अट्रैक्ट ब्यूटीफुल बनाना होता है डिजाइन को. ठीक है, एस्थेटिकली बनाना होता है डिजाइन को. बट जो सिविल इंजीनियर है उसका जो मेन फोकस होगा वो होगा सेफ्टी की तरफ. सो सेम इज द केस इन हाईवे इंजीनियरिंग. जो इसका जो होगा द एम्फेसिस इज मोर ऑन सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द ड्राइवर. अब ड्राइवर की नीड क्या होगी हाईवे पर, कि वो स्मूथली रन करे. ठीक है, रोड में अप्स एंड डाउन ना हो, कार्पेटेड रोड हो, फुल स्मूथली रोड हो और स्पीड उनकी ठीक ठाक स्पीड हो, ये ड्राइवर की नीड्स हैं. और जो सेफ्टी ऑफ द हाईवे व्हीकल की सेफ्टी, जो हमारे आते हैं मोड़, जो हमारे आते हैं कर्व, जो हमारे आते हैं, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाए कि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो सके, व्हीकल डिसबैलेंस ना हो सके. सो दिस इज व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दी मेन फीचर्स कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग दी हाईवेज आर. अब कह रहे हैं कि एक हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन करते वक्त कुछ चीजों से जो माइंड में रखी जाती है वो ये है. रीड आउट कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. अब दीज क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, अब हाईवे में जो लेन की विड्थ होती है उसे हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स कहते हैं. कि हमने लेन की विड्थ कितनी बनानी है, वो जरूरत के मुताबिक उस हाईवे पर जो ट्रैफिक गुजरेगी फ्यूचर में जाकर उसके मुताबिक लेन विड्थ उन्होंने रखनी होती है. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट. द नेक्स्ट इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इज मेंट बाय स्लोप. ग्रेडियंट को हम स्लोप कहते हैं. ये आप लोग FSC में ही पढ़ चुके हैं व्यूअर्स.
ग्रेडियंट को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप हमने देखनी होती है कि कहां पर कितनी स्लोप देनी है, उतनी स्लोप दें जो ड्राइवर के लिए फिजिबल हो और जो व्हीकल की सेफ्टी को भी, और जो जिससे व्हीकल में डिसबैलेंस ना हो। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है हमारे पास जहां पर टू और मोर देन टू मोर रोड्स मीट्स, जहां दो या दो से ज्यादा रोड्स मीट कर रहे हैं। सपोज यहां से भी रोड आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन। ठीक है व्यूअर्स, अब इंटरसेक्शन को हम अपनी जुबान में कहते हैं चौक। चौक मतलब जो चारों तरफ से रोड आ रहे हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सो दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्शन। द नेक्स्ट वन इज साइड डिस्टेंस। वी लोग साइड डिस्टेंस कर किए थे। साइड डिस्टेंस वो होती है, सपोज आप व्हीकल में बैठे, आप गाड़ी में बैठे, आप एज अ ड्राइवर है, तहद्दी निगाह आपको जो रोड नजर आएगा वो आपका साइड डिस्टेंस है। आपको गाड़ी में बैठे हुए मैक्सिमम कितना रोड नजर आ रहा है, कितनी इसकी लेंथ नजर आई है, दिस इज एक्चुअली द साइड डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हाईवे पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो स्पीड गाड़ी में ज्यादा होती है, बिकॉज के रोड स्मूथ होते हैं, लेन विड्थ ज्यादा होती है, तो रोड स्मूथ होने की वजह से, और साइड पर आपने देखा होगा किसी किस्म, क्योंकि शहर से बाहर होते हैं, कोई कमर्शियल प्लेस नहीं होती, मतलब कोई बाजार, कोई मार्केट नहीं होती, तो गाड़ियों ने चलना ही चलना होता है। एक डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट पर पेट्रोल पंप से बाकी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल होती हैं, बाकी जो है इस तरह कोई अवेलेबल नहीं होती हाईवे पर, मोटरवेज पर स्पेशली, तो जो साइड डिस्टेंस है इस चीज को काफी ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है ताकि गाड़ियों की सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाए। फर्स्ट पॉइंट नंबर जो वन पॉइंट एजेंडा है हाईवे इंजीनियरिंग में, डिजाइन से भी जो पहला है ज्योमेट्रिक डिजाइन में, वो है सेफ्टी व्हीकल्स की भी और ड्राइवर्स की भी। अब व्यूअर्स हम नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से मजीद फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमारी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इफेक्ट होती है, जो जिनको मद्देनजर रख के हमारी हाईवे को डिजाइन किया जाता है। थैंक यू। So viewers, let's move on करते हैं, देखते हैं कि हाई जो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है कौन कौन से फैक्टर्स पर ये मजीद डिपेंड करता है। मेन हेडिंग इज ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इन्फ्लुएंस्ड बाय, किन किन चीजों को मद्देनजर रखने। देखें व्यूअर्स, हाईवे डिजाइनिंग डिजाइन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंजीनियर्स, सर्वेयर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स होते हैं। कल मैंने ट्रांसपोर्टेशन पर एक तफसीली बहस की थी, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी था, आप वीडियो देख सकते हैं। सो इसमें जो हमारे हाईवे इंजीनियर्स के जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है एक हाईवे को डिफाइन करने के लिए, एक हाईवे को डिजाइन करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, द करेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल्स। ये हाईवे पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हाईवे पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया होता है, गवर्नमेंट ने, कि आपने कौन कौन सी गाड़ियों को अलाउ करना है। 600 सीसी से नीचे वाली गाड़ी को अलाउ नहीं होता कि वो मोटरवे पर जा सके, बिकॉज स्पीड का प्रॉब्लम है। अब यहां पर नीचे हम आप पढ़ेंगे स्पीड को, स्पीड जो है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि मोटरवेज पर स्पीड के लिए, क्योंकि ये एक सेफ एंड कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का सेफ, फास्टेस्ट एंड कन्वीनियंट है, ये मोस्ट कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू जीटी रोड एंड अदर टाइप ऑफ रोड। So, इसी पर लोग इसीलिए आते हैं मोटरवेज पर, क्योंकि मोटरवेज पर तो नॉन स्टॉप जाना होता है। मैंने पहले मेंशन कर लिया कि आसपास कोई कमर्शियल प्लेस नहीं होती, कोई मार्केट नहीं होती, कोई शॉपिंग एरिया नहीं होता, कोई आर्केड नहीं होता, कोई पार्क नहीं होते। एक खास इंटरवल के बाद एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जहां पर आप पेट्रोल पंप और बाकी तमाम अशिया वगैरह जो जरूरत की होती है वहां से आप अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज पूरे मोटरवे पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, वह वीरान रोड होता है। सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल्स को काफी ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है कि कौन कौन सी गाड़ी इस मोटरवे पर आएगी और इस स्पीड के साथ वो जाएगी, तब हमारा जो निजाम है मोटरवेज का वो सेफली एंड कन्वीनियंटली रवाना रहेगा। दी नेक्स्ट वन इज द बिहेवियर ऑफ ड्राइवर। अब हर ड्राइवर का अलग बिहेवियर होता है, हर इंसान की अपनी नेचर होती है, हम सब जैसी इसमें तो ढाल नहीं सकते। अलबत्ता बिहेवियर ऑफ ड्राइवर को भी काफी ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है हाईवे को डिजाइन करते वक्त। अब सपोज मैंने एक स्मूथ एंड सीधा एक रोड तो कारपेट बिछा दिया, अब मैं देखूंगा यार बिहेवियर ऑफ ड्राइवर क्या होगा, यहां से या तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगा। मैंने दोनों चीजों के मुताबिक हाईवे को डिजाइन करना है, या तो अगर उसने बहुत ज्यादा स्पीड में गया तब भी उस गाड़ी को, उसकी जान को नुकसान ना हो, स्लो गया तब भी उसकी गाड़ी को, उसकी जान को नुकसान ना हो। अगर जब वो कर्व आएगा, मोड़ आएगा रोड में,
यहाँ से अगर गाड़ी स्लिप होगी तब इसकी गाड़ी को जान और माल को नुकसान ना हो, तो बिहेवियर ऑफ ड्राइवर को मद्देनजर रखा जाता है। बिकॉज इंजीनियर्स का जो वन पॉइंट एजेंडा है वो है सेफ्टी, इन्होंने सेफ्टी को मद्देनजर रख के चीजों को तरतीब देनी होती है। अभी नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक वॉल्यूम, फिर ट्रैफिक वॉल्यूम को भी देखना होता है कि किस हाईवे पर कितनी ट्रैफिक है, इसलिए जितनी ज्यादा हाईवेज होंगी हमारी उतनी ट्रैफिक का वॉल्यूम देखें डिवाइड होता जाएगा। अब पूरे मुल्क में अगर एक ही हाईवे हो तो सारी ट्रैफिक तो उस पर, ठीक है, जैसे पहले हमारे जीटी रोड थे। सो अगर हाईवे इसका बनता जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो ट्रैफिक हमारी डिवाइड होती 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 जाएगी, तो ये मोर सेफ और मोर कन्वीनियंट होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्रैफिक स्पीड, फिर ट्रैफिक स्पीड को भी ये जब बिहेवियर ऑफ ड्राइवर में हम से कंसिडर कर लेते हैं कि वो ये ड्राइवर पर ही डिपेंड करता है, और इस चीज को इंजीनियर्स मद्देनजर रख के अपनी हाईवेज को डिजाइन करते हैं। अब ये तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा हाईवे का जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो अफेक्ट करता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कंक्लूजन क्या है। सो दिस आपने वीडियो के साथ ही रहने, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर्स हम लोग देखेंगे आखिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, एक हाईवे को डिजाइन करते वक्त हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हाईवे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारा हाईवे जिससे इन्फ्लुएंस होता है, जिससे हमारा हाईवे इफेक्ट हो सकता है, इन चीजों को मद्देनजर रख के हमारे हाईवे को डिजाइन किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिजाइन स्पीड। जैसे कि प्रीवियस क्लिप में मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड को, हाँ, स्पीड हमारे डिजाइन को कैसे इफेक्ट करती है। टोपोग्राफी फैक्टर्स, ऑब्वियस यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, टोपोग्राफी फैक्टर्स का मतलब होता है जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारे किसी लैंड के एरिया के। अब सपोज एक एरिया में, एक लैंड में हाईवे ने डिजाइन होने, हाईवे ने कंस्ट्रक्ट होने हैं, बाद में जाके फिजिकल फीचर उसके ऐसे हैं कि 10 किलोमीटर तक वो प्लेन है, 10 के बाद 2 किलोमीटर उसमें अप एंड डाउन है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसमें स्लोप आ रही है, फिर 5 किलोमीटर के बाद उसमें खाई है, ब्रिज बनाना है, फिर 7 किलोमीटर के बाद उसमें पहाड़ है, टनल बनाना है। तो ये तमाम, ये हम कहते हैं टोपोग्राफी फैक्टर, ये होते हैं फिजिकल फीचर्स किसी लैंड के, किसी एरिया के, और ये चीजें हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करती हैं। अब कैसे अफेक्ट करती हैं, जैसे जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव था ज्योमेट्रिक डिजाइन का कि सेफ्टी ठीक रहे, हमारी व्हीकल्स की स्पीड रहे, ठीक है, तो ये उन चीजों को ये हमारे टोपोग्राफी फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। द नेक्स्ट वन इज अदर फैक्टर्स, इसके अलावा और जो फैक्टर्स होते हैं जो मौसम के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो वेदर के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वेदर कुछ पता नहीं चलता, ये नेचर के कंट्रोल में, ये बंदे के कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, न्यूज पे सुना होगा कि ज्यादा बारिशों की वजह से हमारी जो मोटर पे जाने बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रोड स्लिपरी हो जाते हैं, फिर वो व्हीकल्स के लिए सेफ्टी का जो, क्योंकि हाईवे का जो मेन एजेंडा होता है वो सेफ्टी, वही खत्म हो जाए तो बाकी डिजाइन किसी काम का हमारा नहीं रहता। सो आज नेक्स्ट वन इज व्हीकल जो ट्रैफिक, ये भी हम लोग देख आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस अपने क्लिप में। अब नेक्स्ट व्यूज देखते हैं कि दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, हमने इतनी डिबेट कर ली ज्योमेट्रिक डिजाइन पर, मैंने भी 2 दिन लगा लिया, आप लोगों ने भी सुना, अब देखते हैं कि ये सब कुछ क्यों है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक हाईवे को डिजाइन करने का, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे का। इज टू गेट ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन द ट्रैफिक ऑपरेशन एंड मैक्सिमम सेफ्टी। अब कहते हैं कि जितना मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंट रहे, ट्रैफिक हमारी रवा दबा रहे हैं, ये रुके ना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे टोपोग्राफी फैक्टर्स कैसे ही क्यों ना हो, फिर भी मेन फैक्टर्स ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन यही रहेगा कि हमारा ट्रैफिक एफिशिएंट रहे, स्मूथ रहे, रन होती रहे, फास्ट हो जाए, मजीद सेफ हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम सेफ्टी। और मैक्सिमम सेफ्टी हो किसकी, व्हीकल्स की भी एंड ड्राइवर इटसेल्फ की भी। So viewers, this was all about highway engineering. Previous video में हमने उसकी डेफिनेशन, की इंपॉर्टेंस, करेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन देखी, और नेक्स्ट में आके हमने देखा कि अगर हाईवे डिजाइन कैसे होते हैं, ऑपरेट कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन और कौन कौन फैक्टर हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो viewers, आई होप कि आपको लेक्चर, ये दोनों लेक्चर पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक आप लाजमी दिया करें, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को शेयर करना तो मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड सो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखें जी, अपना और सबका, अपने घर वालों का। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।